बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड देयर मोटर फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेरिब्रम को ख़त्म किया था, इस वीडियो में बेसल गैंग्लिया को कवर करेंगे। बेसल गैंग्लिया ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रे मैटर के मैसेज होते हैं जो वाइट सब कॉर्टिकल मैटर के अंदर होते हैं। तो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर के अंदर ग्रे मैसेज का मजमुआ, उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो वैसे इसको बेसल न्यूक्लियस बोलना चाहिए था, लेकिन बेसल गैंग्लिया भी बोल देते हैं। बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉर्डेट न्यूक्लियस आता है, प्यूटामेन आता है, ग्लोबस प्लाइटस, सबस्टेंशन निग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कोर के अंदर होते हैं। जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, इन दोनों को मिला के हम स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम बोलते हैं। ग्लोबस प्लाइटस दो तरह का होता है, एक्सटर्नल सेगमेंट और इंटरनल सेगमेंट। सबस्टेंशन निग्रा ये भी दो तरह का होता है, सबस्टेंशन निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, सबस्टेंशन निग्रा पार्स रेटिकुलरिस। जो ग्लोबस प्लाइटस और प्यूटामेन, इसको मिला के हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान वाइट मैटर का बंडल नजर आएगा, इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगी बेसल गैंग्लिया, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, ये टेल ऑफ क्वाड्रेट है। टेल ऑफ क्वाड्रेट एमिग्डलाइट बॉडी से अटैच होती है, इसके साथ सब थैलेमिक न्यूक्लियस भी होगा। अब बेसल गैंग्लिया के क्या फंक्शन होते हैं? बेसल गैंग्लिया के ऊपर एक प्रीवियस वीडियो भी बनी हुई है मोटर लूप के हवाले से, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने फंक्शन बताया है। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, यानी जो एक मूवमेंट होती है, कोई भी मूवमेंट करवानी है तो उसका एक पैटर्न होता है, तरीकाकार होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, तरीकाकार से होती है। उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कंट्रोल करना और इस कॉम्प्लेक्स पैटर्न की प्लानिंग करना, तो प्लानिंग एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, और जो इंडिविजुअल मूवमेंट है उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी को कंट्रोल करना कि ये मूवमेंट सिवियर करानी है या फिर थोड़ी हल्की करवानी है, कम प्रेशर से लगाना है या ज़्यादा प्रेशर लगाना है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, फिर इंडिविजुअल मूवमेंट की रिलेटिव डायरेक्शन को कंट्रोल करना कि ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी है, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में। इसके बाद इस और जो डिफरेंट मूवमेंट एंड के सीक्वेंस को कंट्रोल करना, सीक्वेंस का मतलब पहले ये वाली मूवमेंट करवानी है, फिर मैंने राइट वाली करानी है, फिर लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली, लेफ्ट वाली। तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट उसकी प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना, इसके बाद इंडिविजुअल मूवमेंट की क्या कराना, सबसे पहले इंटेंसिटी को चेक कराना, ज़्यादा जोर से लगाना या फिर हल्का, इसके बाद डायरेक्शन को या फिर इनके सीक्वेंस को, पहले ये इसके बाद ये इसकी जाता है। इसके बाद इसका एक कॉग्निटिव फंक्शन भी होता है। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि एक प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के नतीजे में मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता होता है कि ये काम हमने किया इसका नतीजा अच्छा नहीं आया, तो हम फ्यूचर में वो काम रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमने मेमोरी को यूज़ करते हुए मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल किया है, मोटर एक्टिविटी को इसी हवाले से तब्दील किया है जितना हमारी मेमोरी थी, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल। तो स्टार्ट करते हैं बेसल गैंग्लिया को। तो बेसल गैंग्लिया के फंक्शन को समझने के लिए हम इसके दो सर्किट बना लेते हैं, एक वो सर्किट जो प्यूटामेन की वजह से होगा उसको बोलेंगे प्यूटामेन सर्किट, एक वो सर्किट जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस की वजह से होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेट सर्किट। जो प्यूटामेन सर्किट है, इसका फंक्शन होगा मोटर एक्टिविटी के पैटर्न को, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट का कंट्रोल करना और इनको रेगुलेट करना, प्लान करना। क्वाड्रेट सर्किट इसका काम होगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के नतीजे में कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल। तो पहले हम पढ़े थे प्यूटामेन सर्किट, प्यूटामेन सर्किट कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कंट्रोल करेगा। वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। राइटिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, इसमें भी बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कौन कौन से पैटर्न हैं जो बेसल गैंग्लिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? कटिंग द पेपर विद सीजर, हैमरिंग नेल, शूटिंग अ बास्केटबॉल थ्रू अ हूप, पासिंग अ फुटबॉल या थ्रोइंग अ बास्केटबॉल, या मूवमेंट ऑफ शॉवलिंग डर्ट, या मोस्ट वोकलाइजेशन, या कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आइज। कोई भी हमारी स्किल्ड मूवमेंट जो हम रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं, वो सारी बेसल गैंग्लिया की वजह से होती है। दो कंडीशन होने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए और वो स्किल्ड होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स और फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट। अब हम पाथवे पढ़ते हैं प्यूटामेन सर्किट का। तो प्यूटामेन सर्किट आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दूँ। तो इस प्यूटामेन सर्किट में इनपुट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? तो इनपुट इन्फॉर्मेशन प्री मोटर एरिया से आ रही है, सप्लीमेंट्री एरिया से आ रही है और सोमैटोसेंसरी एरिया से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सोमैटोसेंसरी एरिया से आ रही है। तो और यहाँ से मोटर कॉर्टेक्स से भी आ रही है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इससे इन्फॉर्मेशन आई प्यूटामेन के पास। क्वाड्रेट के पास कोई फाइबर नहीं गया, प्यूटामेन के बाद इन्फॉर्मेशन जाएगी ग्लोबस प्लाइटस के पास। ग्लोबस प्लाइटस के स्पेसिफिकली इंटरनल सेगमेंट के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? इंटरनल सेगमेंट के पास। तो ग्लोबस प्लाइटस के इंटरनल सेगमेंट में जाने के बाद फिर ये इसका इंटरनल सेगमेंट है, ये वाला इंटरनल सेगमेंट है, ये वाला इसका एक्सटर्नल सेगमेंट है।
या तो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सेगमेंट के पास गई, फिर उसने जाना होगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस, फिर वहाँ जाना होगा। तो यहाँ पे आ गई इन्फॉर्मेशन इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस प्लेटस के पास, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, फिर यही इन्फॉर्मेशन चलेगी वापस प्री मोटर एरिया और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, यानी प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास। इस तरह ये प्यूटामिन सर्किट कंप्लीट होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके खत्म हो गया। और प्यूटामिन सर्किट क्या करेगा, प्यूटामिन सर्किट कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इस सर्किट में देखिएगा, एक तो मैंने बताया था कि जो इनपुट थी वो इंटरनल सेगमेंट से होते हुए कहाँ गई, ये इस सेगमेंट के पास वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लैटरल, कुछ इनपुट एक्सटर्नल सेगमेंट के पास भी जा सकती है, वो एक्सटर्नल सेगमेंट से होते हुए जाएगी, पहले किसके पास गई यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि एक्सटर्नल सेगमेंट से होते हुए ये सबथैलेमस के पास गई, या आपको सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबस्टेंशन डायग्राम इन दोनों के पास गई, जिससे होते हुए कहाँ चलेगी वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। अल्टीमेटली इनपुट को आपने पहुँचाना है थैलेमस के न्यूक्लियस के पास, इंटरनल सेगमेंट के जरिए या एक्सटर्नल सेगमेंट के जरिए। अब हम लीजेंस को देख लेते हैं, इस पाथवे में क्या क्या लीजेंस देखने को मिल सकती है। तो पहले यहाँ पर हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको पढ़ा नहीं है। तो जो सिग्नल्स इनिशिएट होते हैं प्री मोटर एरिया सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, पहले प्यूटामिन के पास गए फिर ग्लोबस प्लेटस के पास गए। अब ग्लोबस प्लेटस के पास दो डिवीजन होती है, इंटरनल सेगमेंट और एक्सटर्नल सेगमेंट। अब जो एक्सटर्नल सेगमेंट होगा वो रेसिप्रोकली लिंक्ड होगा किसके साथ, सबथैलेमिक न्यूक्लियस के पास। कौन सा न्यूक्लियस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, आपको नजर आ रहा होगा सबथैलेमिक न्यूक्लियस, इनपुट ले भी रहा है और इनपुट दे भी रहा है। जो इंटरनल सेगमेंट है वो वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और सबस्टेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा इनके साथ एसोसिएटेड होता है। जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं थैलेमस में वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लैटरल, जो पैलेडल इनपुट लेते होते हैं वो वापस जाएंगे प्री मोटर के पास और सप्लीमेंट्री और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर एक मोटर लूप बन गया, वो मोटर लूप मोटर कॉर्टेक्स से आया, ग्लूटामिन के पास गया, ग्लोबस प्लेटस के पास गया, मोटर न्यूक्लियस थैलेमस के पास गया, फिर दोबारा मोटर कॉर्टेक्स पे गया। इसको बोलते हैं मोटर लूप। मोटर लूप दो कैटेगरी का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस पर एक वीडियो बनी हुई, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ से बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो डायरेक्ट पाथवे है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये जो प्यूटामिन में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, गाबर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट करेंगे इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस प्लेटस, वो आगे प्रोजेक्ट करेगा किसके पास, थैलेमस के मोटर न्यूक्लियाई वेंट्रो लैटरल वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस। फिर जो इंटरनल सेगमेंट होगा, इंटरनल सेगमेंट की वजह से जो मोटर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है वो डिसइनहिबिट हो गए, डिसइनहिबिट का मतलब स्टिम्युलेट हो गए, वो आगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे मोटर कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इन्हांस करता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो कैसे चलेगा, वो एक इनहिबिटरी सिग्नल्स हो गए, जो इनहिबिटरी सिग्नल्स हो गए वो किसके पास गए, ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नस के पास, उसकी इनहिबिशन होगी। ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नस आगे सब थैलेमिक न्यूक्लियस की इनहिबिशन नहीं करा सकता, मतलब सब थैलेमिक न्यूक्लियस की डिसइनहिबिशन हुई है। जब उसकी डिसइनहिबिशन हुई है तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस ने एक्साइटेटरी इन्फॉर्मेशन दी है ग्लोबस प्लेटस इंटरनस को, वो आगे इनहिबिट कर देगा थैलेमस के मोटर न्यूक्लियस को। जब थैलेमस के मोटर न्यूक्लियस इनएक्टिवेट हो गए तो मोटर कॉर्टेक्स भी इनएक्टिवेट होगा, हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इनहिबिट करता है। लेकिन जब ये पाथवे डिसफंक्शन हो जाए, जैसे हंटिंगटन डिजीज़ में होता है, जो थैलेमिक न्यूक्लियस के न्यूरॉन्स इनहिबिट नहीं होते, जिसकी वजह से थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता रहता है, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलती है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ये पेशेंट ना इसको इनिशिएट कराता है ना इसको स्टॉप कर सकता है, तो अभी इस ट्रैमर को बोलते हैं रेस्टिंग ट्रैमर, जो रेस्टिंग स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट पाथवे है वो मसल की एक्टिवेशन कराता है कोई मूवमेंट परफॉर्म कराने के लिए, और जबकि इनडायरेक्ट पाथवे है वो मसल की इनहिबिशन कराता है ताकि कोई मूवमेंट ख़राब ना हो पाए। तो ये था बेसल गैंग्लिया का बेसिक ओवरव्यू या मोटर लूप। अब आपको इस पाथवे के अंदर स्पेसिफिक साइट पर लीजेंस हो तो हमें डिजीज़ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, अगर ग्लोबस प्लेटस में लीजन हो तो स्लो रीथिंग मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट होगी किसकी, हैंड की और आर्म की फेस की, इसको बोलते हैं एथिटोसिस। सब थैलेमिक न्यूक्लियस की लीजन होने की वजह से फ्लेलिंग मूवमेंट होती है लिम्स की, इसको बोलते हैं हेमीबिलिस्मस। एक साइड के ऊपर हो तो हेमीबिलिस्मस, ओवरऑल बॉडी पे हो तो बेलिस्मस। अगर प्यूटामिन में लीजन हो तो फ्लिकिंग मूवमेंट देखने को मिलती है हैंड की और फेस की, इसको बोलते हैं कोरिया, स्पेसिफिकली हंटिंगटन कोरिया। अगर सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामिन सेल्स होते हैं उनकी डीजनरेशन हो तो फिर इस डिजीज को बोलते हैं पार्किंसन। पार्किंसन में तीन चीज़ें देखने को मिलती है कि मूवमेंट को स्लो हो जाती है, इसको इनिशिएट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ब्रैडीकाइनेसिया। दूसरा होगा शफलिंग गेट होगा, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन ना ही देखने को मिलेंगे, इस
फेस को बोला गया मास्क फेस, मास्क फेस जिसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ जो रेस्टिंग जिसको पिल रोलिंग ट्रेमर भी बोलते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर, वो देखने को मिलेंगे। तो सब्सटेंशन आइरा के डैमेज हो जाने की वजह से क्या देखने को, पार्किंसन, ग्लूटामेट की वजह से कोरिया, सबथैलेमिक की वजह से होगा हेमिप्लेसमस, ग्लोबस पिलाइटिस की वजह से होगा एथिटोसिस। अब नेक्स्ट जो सर्किट है वो है कॉर्डेट सर्किट, जो सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा, इंडिविजुअल मूवमेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, इसके साथ ये कॉग्निटिव कंट्रोल को भी करता होता है। तो कॉर्डेट सर्किट को पहले डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कॉर्डेट सर्किट। तो कॉर्डेट सर्किट इसके जो इनपुट फाइबर है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी इसका कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, प्री मोटर एरिया और सोमाटोसेंसरी एरिया, इन सब की इन्फॉर्मेशन आ गई कॉर्डेट के पास, लेकिन प्यूटामैन के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम आई। मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के तमाम एसोसिएशन एरिया ने इन्फॉर्मेशन दी कॉर्डेट के पास, फिर कॉर्डेट से इन्फॉर्मेशन गई इंटरनल सेगमेंट के पास, गई इंटरनल सेगमेंट से होती हुई इन्फॉर्मेशन वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, फिर यह इन्फॉर्मेशन जाएगी सीधा प्री फ्रंटल, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, लेकिन कोई भी सिग्नल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे नहीं गया। इसका मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री ये सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ ही कॉग्निटिव कंट्रोल को भी यही डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, जिस तरह प्यूटामिन सर्किट में होता है तो कॉर्डेट सर्किट डेंस प्रोजेक्शन लेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, लेकिन वो डिफ्यूज प्रोजेक्शन एसोसिएशन एरिया से आएगी, ना कि मोटर कॉर्टेक्स से आएगी। फिर जो आउटपुट होगी कॉर्डेट की वो ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस के पास जाएगी, थैलेमस के वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल, और वहाँ से इनपुट जाएगी प्री फ्रंटल, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स के पास। तो इसका मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस मोटर पैटर्न को कंट्रोल करता है, जो हमारी मेमोरी से एसोसिएटेड होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल। इसमें यह होगा कि अगर पर्सन को अगर कोई थ्रेट मिले तो पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि सिचुएशन डेंजरस है, क्योंकि पहले अगर वो फेस कर चुका है या फिर सिचुएशन इसको डैमेज कर सकती है, इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो कोई ना कोई फैसला करेगा, फैसला करने के बाद वो मेमोरी बन जाएगी इस मूवमेंट के एसोसिएटेड, यानी फैसला किया इसने, भागने का फैसला किया, लड़ने का फैसला किया, तो भागने का या लड़ने का फैसला ये इसकी मेमोरी बन जाएगा, फिर इस मेमोरी को नेक्स्ट टाइम वो यूज़ कर सकता है अपने एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था कॉग्निटिव कंट्रोल। इसके साथ जो बेसल गैंग्लिया है वो टाइमिंग और स्केलिंग कर सकता है इंटेंसिटी को, ये भी कॉग्निटिव सर्किट की वजह से होगा, सॉरी कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से होगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज एरिया के साथ मिलकर काम करेगा, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पेराइटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पेराइटल कॉर्टेक्स। अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें एक क्लिनिकल एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं एग्नोशिया, इसको बोलते हैं एग्नोशिया। तो यहाँ पर हमें दो क्रिटिकल पैरामीटर किसी भी मूवमेंट के, वो स्पीड हो सकता है कितनी तेज़ी से किया, और साइज ऑफ मूवमेंट के इसका साइज किया था, उसको टाइमिंग को और स्केलिंग को, टाइमिंग का मतलब स्पीड और स्केलिंग का मतलब उसका साइज किया है। दोनों फीचर्स जब डिस्टर्ब होते हैं जब कॉर्डेट न्यूक्लियस की लीजन होती है, और इसके साथ कॉर्डेट के साथ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स इसकी भी लीजन हो, स्पेसिफिकली नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर राइट साइड पे हो, क्योंकि राइट साइड के ऊपर ये हमारी बॉडी के स्पेशल कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है। स्पेशल कोऑर्डिनेट का मतलब ये बताएगा कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में हमारे बॉडी पार्ट किस डायरेक्शन में है, हमारा अपर लिम किस स्टेट के अंदर है, आया कि ये एबडक्टेड है, फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंशन स्टेट में है, और इसका रिलेशनशिप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है या फिर टेबल के ऊपर है, इसको बोलते हैं हम सेंस ऑफ पोजिशन या फिर सेंस ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी किस वक्त और किस जगह है, बॉडी पार्ट किस जगह पे है हमारी ब्रेन को पता है, और जो पार्ट कंट्रोल करता है उसका नाम है पोस्टीरियर पेराइटल कॉर्टेक्स। अगर ये डैमेज हो जाए तो वो पेशेंट अपने स्पेसिफिक लोकेशन को यानी लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को इग्नोर कर देगा, इसको बोलते हैं पर्सनल निगलेक्ट सिंड्रोम या एमॉर्फोसिंथेसिस, इसको सोमैटोसेंसरी सिस्टम के अंदर कवर करना है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू बेसल गैंग्लिया का। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स को देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पढ़ने हमने बेसल गैंग्लिया के, पहला होगा पार्किंसन डिजीज़, दूसरा होगा हंटिंगटन कोरिया। तो पार्किंसन डिजीज़ में हमें बेसिकली तीन चीज़ें देखने को मिलती है, रिजिडिटी देखने को मिलती है बहुत सारे मसल में, एक रेस्टिंग ट्रैमर देखने को मिलती है जिसको पिल रोलिंग ट्रैमर भी बोलते हैं, तीसरा डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट, उसको बोलते हैं एकाइनेजिया, या फिर अगर मूवमेंट इनिशिएट हो गई है तो काफ़ी स्लो है तो फिर इसको बोलते हैं ब्रैडीकाइनेजिया। अब इन सिम्पटम का यानी रिजिडिटी हो गया या फिर इसके साथ जो ट्रैमर्स हैं या फिर एकाइनेजिया, इसका वजह इसकी वजह क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले रिजिडिटी का मैकेनिज्म देख लेते हैं।
रिजिडिटी का मैकेनिज्म इस वजह से होगा क्योंकि जो पार्किंसन है जिसको पैरालिसिस एजिटेंस भी बोलते हैं, इसमें सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा का पार्ट डैमेज हो जाता है जो डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शन देता है कॉर्टेट को और ग्लूटामेट को। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। अगर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि डोपामिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो डोपामिन इनको इनहिबिट नहीं कर सकेगा। जब डोपामिन इनको इनहिबिट नहीं कर सकेगा कॉर्टेट को ग्लूटामेट को तो वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगी। जब वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगी तो एक्साइटेटरी सिग्नल देखने को मिलेगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को। जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एक्टिव होगा तब हमारी बॉडी के बहुत सारे मसल एक्साइट होते रहेंगे जिसकी वजह से रिजिडिटी देखने को मिलेगी। दूसरा होगा रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर इस वजह से होगा कि अगर फीडबैक सर्किट अगर डैमेज हो जाए तो फिर वो ऑसिलेट करते हैं क्योंकि इनका फीडबैक गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। फीडबैक गेन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी सर्किट को अगर स्टॉप कराना है तो जितनी अमाउंट चाहिए उससे कम में ही काम हो जाए हमारा, बल्कि उससे ज़्यादा ओवरशूट कर जाए तो उसको बोलते हैं हाई फीडबैक गेन। तो हाई फीडबैक गेन की वजह से ये क्या होगा, रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलेगी। ये रेस्टिंग ट्रेमर सेरिब्रल डिजीज से डिफरेंट होगी क्योंकि सेरिब्रल डिजीज़ के अंदर भी ट्रेमर्स होते थे लेकिन वो ट्रेमर्स किसी वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करने के वक्त होते थे, लेकिन पार्किंसन में ये ट्रेमर्स रेस्टिंग स्टेट में होगी, उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी ट्रेमर या रेस्टिंग ट्रेमर, या इसको हम बोल सकते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर। लास्ट है एकाइनेसिया या डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट। इस वजह से होगा क्योंकि जो डोपामिन के सिक्रेशन है लिम्बिक सिस्टम में स्पेसिफिकली न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो फिर कॉन्शियस ड्राइव या साइकिक ड्राइव होगी किसी भी फैसला करने की या फिर किसी भी मोटर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ड्राइव होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं एकाइनेसिया। अब जो इसको ट्रीट करना है किसको, पार्किंसन, तो हमारे पास चार तरीके हैं, एल-डोपा, एल-डोपामिनाइल ट्रांसप्लांटेड फीटल डोपामिन सेल्स, और चौथा होगा कि डिस्ट्रॉइंग द पार्ट ऑफ फीडबैक सर्किट्री। तो पहला है एल-डोपा इस्तेमाल करें, लिवोडोपा। तो जो लिवोडोपा एक ड्रग है जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में दी जाती है, यह ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है लेकिन अगर डोपामिन दे तो ये डोपामिन क्रॉस नहीं कर सकता। लिवोडोपा बिल्कुल वही काम करेगी जो डोपामिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दर्द करती है। दूसरा होगा एल-डोपामिनाइल, ये वो ड्रग है जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये डोपामिन को नहीं तोड़ सकेगा, इसकी वजह से डोपामिन का एक्शन काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तीसरा है फीटल डोपामिन सेल। अगर ऐसे फीटल सेल जो जिसमें डोपामिन हो तो वो अगर कॉर्टेट न्यूक्लियस और ग्लूटामेट के अंदर ट्रांसप्लांट करे तो इसकी वजह से जो कामयाबी मिल सकती है लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। चौथा ये है कि जो इसमें जो एबनॉर्मल सर्किट है, जो एबनॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे है, इसको ही डिस्ट्रॉय कर दो। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वेंट्रोलैटरल और वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, इसको डैमेज कर दे या फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस को ही डैमेज कर दो, लेकिन ये टेक्निक इंसानों के ऊपर आजमाई नहीं गई, ये वाली भी नहीं गई। लेकिन जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो एल-डोपामिनाइल या फिर एल-डोपा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो डिजीज़ है उसका नाम है हंटिंगटन डिजीज़ या हंटिंगटन कोरिया। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है जो 30 से लेकर 40 ईयर्स ऑफ एज में जाके देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें फ्लिकिंग मूवमेंट देखने को मिलती है इंडिविजुअल मसल में, इसके साथ हमें डिस्टॉर्शनल मूवमेंट देखने को मिलती है, लास्ट में डिमेंशिया भी हो जाएगा। अब एबनॉर्मल मूवमेंट, पहले फ्लिकिंग फिर डिस्टॉर्शनल, ये एबनॉर्मल मूवमेंट इस वजह से हुई क्योंकि जो गाबर्जिक न्यूरॉन थे कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर और प्यूटामेन के अंदर, जिसको स्ट्राइटम भी बोलते हैं या न्यूस्ट्राइटम, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, और इसके साथ एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन जो दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन में थे उनकी वजह से होगी। गाबर्जिक न्यूरॉन जो न्यूस्ट्राइटम के अंदर थे, एसिटाइलकोलिन वाले न्यूरॉन्स कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो ब्रेन के दूसरे पार्ट में थे, अगर गाबर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो गाबर्जिक न्यूरॉन ग्लोबस ब्लाइडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट नहीं कर सकते। अगर वो इनहिबिट नहीं होगे तो फिर इनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ग्लोबस ब्लाइडस की और सब्सटेंशिया नाइग्रा की, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शनल मूवमेंट देखने को मिलती है। डिमेंशिया गाबर्जिक न्यूरॉन के लॉस की वजह से नहीं होगा बल्कि ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन के लॉस की वजह से होगा, स्पेसिफिकली थिंकिंग एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो थॉट करवाता होता है। अब इसका पैथोलॉजी क्या है कि हंटिंगटन डिजीज में, तो एक प्रोटीन होती है हंटिंगटन, इसके जीन में म्यूटेशन आ जाती है, उसको बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। इसमें कोडोन होता है CAG, उसके जीन में इसकी इतनी ज़्यादा रिपीटेशन होती है कि ये कोडोन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कह सकते हैं कि 5 से लेकर 22 से भी ज़्यादा हो जाता है, इसकी कॉपी बन जाती है। CAG कोडोन ग्लूटामिन को कोड करता है, तो फिर जो हंटिंगटन प्रोटीन बनती है mRNA से उसमें ज़्यादा ग्लूटामिन होगा, ज़्यादा ग्लूटामिन होगा इसकी फोल्डिंग खराब हो जाएगी, फोल्डिंग खराब हो जाएगी तो फिर ये प्रोटीन फंक्शन नहीं कर सकती, इसकी वजह से ही हंटिंगटन डिजीज होगा। तो ये था पूरा चैप्टर, खत्म हो गया चैप्टर नंबर 57। इस चैप्टर में बस ये इंटीग्रेशन रह गया है,
तो यहाँ पे लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या फंक्शन होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के दो फंक्शन होते हैं, एक तो लोकल पैटर्न को कंट्रोल करना, दूसरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कंट्रोल करना। लोकल पैटर्न क्या हो सकती है, जैसे प्रोग्राम विड्रॉल रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्या हो सकती है कि वॉकिंग करना टू एंड फ्रो, कि अगर फ्लेक्सर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर एक्सटेंशन की इनहिबिशन होगी। दूसरा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन दो फंक्शन करता है, एक तो एक्सियल टोन यानी जो एक्सियल मसल्स होते हैं, वर्टिब्रा के मसल्स होते हैं, ट्रंक के मसल्स होते हैं, उनके टोन को मेंटेन करना ताकि बंदा स्टैंड कर सके। दूसरा इन दूसरे मसल्स एक्सियल बॉडी के अलावा दूसरे मसल्स की टोन को मॉडिफाई करना वेस्टिबुलर अपरेटस की वजह से, क्योंकि वेस्टिबुलर अपरेटस टोन को रेगुलेट करता होता है ताकि बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर ला सके। तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना और एक्सियल टोन को कंट्रोल करना, ये फंक्शन होता है हाइंड ब्रेन का। इसके बाद मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स का एक फंक्शन होता है कि सिक्वेंशियल और पैरेलल मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना। इसके साथ वो डिफरेंट मोटर एक्टिविटी के इंटेंसिटी को कंट्रोल भी कर सकता है। बाज़ूकत ऐसा होता है कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो लोकल कॉर्ड पैटर्न को रेगुलेट कर सकता है या फिर उसको रिप्लेस भी कर सकता है, लेकिन जो कॉर्टिकल पैटर्न है कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल या स्पाइनल कॉर्ड के पैटर्न सिंपल होते हैं। कॉर्टिकल पैटर्न को लर्न किया जा सकता है लेकिन स्पाइनल पैटर्न को लर्न नहीं किया जा सकता, ये हेरिडेटरी होती है। सेरिबेलम के फंक्शन हमने देख लेते थे, दोबारा से देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इन्हांस करता है, ब्रेन स्टेम के लेवल पर ये पोस्टुरल मूवमेंट करवाता होता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस को मेंटेन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर टर्न ऑन टर्न ऑफ करवाता है। इसके साथ साथ ये स्मूथ प्रोग्रेशन प्रोवाइड करता है ताकि मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हो सके। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया कॉर्टेक्स की उन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराने में हेल्प कराता है जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं, जैसे कोई राइटिंग में, कटिंग में, और इसके साथ साथ डिफरेंट पैरेलल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, इंडिविजुअल एक्टिविटी की टाइमिंग को, इसकी स्केलिंग को कंट्रोल करना। ये दो सर्किट की वजह से होते हैं, ग्लूटामेट सर्किट की वजह से और कॉर्डेट सर्किट की वजह से। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।